एशियन गेम्स 2018 कबड्डी इवेंट के डे 3 के सारे मैचेस अब खत्म हो चुके हैं और सारे मैचेस के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे मैचेस के रिजल्ट बताने वाला हूं जो हमें आज देखने को मिले। तो अगर आपको रिजल्ट जानना है तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है। आज के दिन उतने भी बड़े मैचेस नहीं थे कल की तरह, पर फिर भी मैचेस थे। तो यार बात करें पहले मैच के बारे में, तो ये था वुमेन्स का मैच ग्रुप ए से इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच। इस मैच का फाइनल स्कोर था इंडिया 38 और श्रीलंका 12, मतलब इस मैच को इंडिया ने जीत लिया। वहीं पर हमें दूसरा मैच देखने को मिला ग्रुप बी से चाइनीज टाइपाई वर्सेस ईरान के बीच। फाइनल स्कोर था शॉकिंग, चाइनीज टाइपाई ने इस मैच को जीत लिया, चाइनीज टाइपाई 22 और ईरान 18। वहीं पर हमें तीसरा मैच देखने को मिला ग्रुप ए से थाईलैंड वर्सेस जापान के बीच, तो इस मैच को जीता जापान ने 100। मैच का फाइनल स्कोर था थाईलैंड 43 और जापान 12। चौथा मैच हमें देखने को मिला ग्रुप बी से बांग्लादेश वर्सेस साउथ कोरिया के बीच। फाइनल स्कोर था साउथ कोरिया 52 और बांग्लादेश 25। वहीं पर हमें पांचवा मैच देखने को मिला इंडोनेशिया वर्सेस इंडिया के बीच, और ये था ग्रुप ए का मैच। इस मैच को जीता इंडिया ने, फाइनल स्कोर था इंडिया 54 और इंडोनेशिया 22। तो ये थे वुमेन्स के सारे मैचेस के रिजल्ट। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो मेंस का पहला मैच था 12:30 PM से ग्रुप बी से मलेशिया वर्सेस इंडोनेशिया के बीच। तो इस मैच का फाइनल रिजल्ट था इंडोनेशिया 30 और मलेशिया 22, मतलब इस मैच को इंडोनेशिया ने जीत लिया और इंडोनेशिया बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। वहीं पर हमें दूसरा मैच देखने को मिला 1:30 PM से ग्रुप ए से बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच। तो इस मैच का फाइनल रिजल्ट था बांग्लादेश 29 और श्रीलंका 25। वहीं पर हमें तीसरा मैच देखने को मिला जापान वर्सेस नेपाल के बीच, ये था ग्रुप बी से। तो इस मैच का फाइनल रिजल्ट था जापान 31 और नेपाल 28। इंटरेस्टिंग मैच रहा ये। और वहीं पर बात करें चौथे मैच के बारे में, वो हमें देखने को मिला इंडिया वर्सेस थाईलैंड के बीच। फाइनल रिजल्ट था इंडिया 49 और थाईलैंड 30। वहीं पर बात करें पांचवें मैच के बारे में, तो वो हमें देखने को मिला ईरान वर्सेस मलेशिया के बीच। तो इस मैच का फाइनल रिजल्ट था ईरान 58 और मलेशिया 24, मतलब ईरान ने डबल स्कोर किया मलेशिया से कंपेयर करने पर। और वहीं पर आखिरी मैच हमें देखने को मिला पाकिस्तान वर्सेस इंडोनेशिया के बीच। इस मैच का फाइनल स्कोर था इंडोनेशिया 11 और पाकिस्तान 40। तो यार यही थे सारे मैचेस और उनके रिजल्ट। आप यार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ क्या आपने डे 3 को एंजॉय किया, और आई होप आपने डे 3 के साथ साथ हमारी इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है। We'll be right back.